बाद पचलाना थाना क्षेत्र के राजपुर रायती गांव में हुई चोरी। दिन दहाड़े शिक्षक के घर से ताला तोड़कर सोने चांदी और लाखों की नकदी पर हाथ साफ, शादी के घर मायूसी छाई। छगनलाल पिता भंवरलाल ने बताया कि परिवार में शादी थी, हम सभी शुक्रवार सुबह बारात में गए थे। शाम को 4 बजे वापस घर आकर देखा तो घर का ताला और गोदरेज अलमारी और पेटी के ताले टूटे मिले, जिसमें करीब 1 लाख रुपए, माँ और पत्नी, सोने चांदी के गहने नहीं मिले। पीड़िता की महिला ने बताया कि दोपहर में दो लड़के लाल मोटरसाइकिल से देखे गए, जिसकी सूचना भाटप चलाना थाने पर दी। पुलिस ने मौका मुआयना किया। प्रथम दृष्टया चोर परिचित होने की आशंका है। साइबर पुलिस की सहायता से चोरों का पता लगाने की कोशिश में लगी पुलिस। टीम भारतीय न्यूज। अच्छा, क्या घटना घटी थी आपके यहाँ? कल हम सब बारात में गए थे। फिर क्या हुआ? फिर 3 बजे आई मैं यहाँ पे, अंदर से दरवाजा लगा हुआ था। मैंने सोचा मेरे दोनों बालिके आ गए अंदर, उन्होंने लगाया होगा। मैं उधर से दरवाजा खटखटाया तो कोई बोला नहीं। तो कल लेटरिंग में होगी तो फिर बैठ गई मैं। घंटे भर से बाहर बैठी रही और ये दोनों उधर से आई भैया के घर से। फिर ये आई, फिर इसके बाद मैंने कहा कि अंदर कौन है, कि भैया होगा। तो भैया फ़ोन लगाया, वो मेरा एक लड़का भी है, वो भी रास्ते में आ रहा है। इसके पापा वहीं पे थे जहाँ बारात गई ना, वहीं। काय की थी माता जी? सोने की। और नगद कितना कैसा पड़ा था आपके पास? नगद क्या मालूम, उनको मालूम होगा, पैसे तो उन्होंने रखे थे। अच्छा, पैसे किस बात के पैसे लेके आए थे अपन? पैसे तो 500-500 की एक गड्डी थी और 100-100 की दो गड्डी थी, और इनके पास वो लाकर में पैसे मैंने नहीं देखे, उन्होंने रखे थे। और पेटी भी शादी के कार्यक्रम सबसे पैसे आपने रखे थे। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।